वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद हमारी सनराइज की टीम निकल चुकी है हर शहर, हर जिले, हर विधानसभा सीट पर यूपी की जनता का मूड जानने के लिए कि भाई इस बार यूपी में किसकी सरकार। तो ग्राउंड के पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अब आते हैं वीडियो पर। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। आज फैक्ट चेक के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी वायरल वीडियो का सच। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी सहित कई नेताओं ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा, लेकिन क्या अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन करने की धमकी दे रहे हैं? एक ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीनशॉट के जरिए कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। इसमें लिखा है, अमित शाह ने की मुख्यमंत्री बदलने की बात तो योगी आदित्यनाथ ने दे डाली सपा ज्वाइन करने की धमकी। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट में लिखा है, डैमेज कंट्रोल करने में जुटी भाजपा। एक फेसबुक यूजर ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया, जिसके नीचे लिखा था, भाजपा में भगदड़ बहुत करारी है, साइकिल चिलम पर भारी है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट फर्जी है, इसके के न्यूज इंडिया चैनल के लोगों और ब्रेकिंग न्यूज प्लेट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सपा में शामिल होने की धमकी देने का जिक्र है। जाहिर है अगर हकीकत में ऐसा हुआ होता तो सभी जगह इसकी चर्चा होती। स्क्रीनशॉट में एक लोगो है पर उस पर अधूरा दिख रहा है। खोजने पर पता चला कि ये लोगो के न्यूज इंडिया चैनल का है। हमने वायरल स्क्रीनशॉट की तुलना के न्यूज इंडिया चैनल की एक खबर के स्क्रीनशॉट से की। साफ देखा जा सकता है कि दोनों के फॉन्ट्स में काफी अंतर है। के न्यूज इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए से स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया है। अब दावा क्या किया गया? एक खबर के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने जब यूपी के मुख्यमंत्री बदलने की बात कही तो योगी आदित्यनाथ ने सपा ज्वाइन करने की धमकी दे डाली। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हालांकि निष्कर्ष उसका यह निकला कि स्क्रीनशॉट एकदम फर्जी है, इसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिसके बाद यह साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को छोड़कर सपा में ज्वाइन करने की बात नहीं कही है और यह खबर एकदम नकली है। फिलहाल इस फैक्ट चेक की वीडियो में इतना ही। ऐसी और फैक्ट चेक की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।